आज हम सी टेड एग्जाम में जो मैथ पैडागोजी यानी गणित शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी टेड बेस पर, सभी क्वेश्चन इस क्लास में थ्योरी बेस क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें क्योंकि इस क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम हैं सी टेड के उनमें देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन, शिक्षण गणित का उद्देश्य। तो शिक्षण गणित का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। पहला उद्देश्य गणित का, शिक्षण गणित का पहला उद्देश्य होता है बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण और बच्चे गणित का आनंद लेना सीखें। दूसरा है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना। तीसरा है बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना। क्या करना? बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना। चौथा है बच्चे गणित की मूल संरचना यानी अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति को समझ सकें और त्रिकोणमिति को समझ सकें। ये होता है शिक्षण गणित का उद्देश्य। एक वैज्ञानिक थे डेविड व्हीलर। कौन से? डेविड व्हीलर। इनका कहना था कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना महत्वपूर्ण है, ना कि बहुत सारा गणित जानना। ये कथन किसका था? डेविड व्हीलर का कथन है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना महत्वपूर्ण है, ना कि बहुत सारा गणित। अब एक वैज्ञानिक है जॉर्ज पॉलिया। वैज्ञानिक कौन थे? जॉर्ज पॉलिया। इनके अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण के उद्देश्य, किसके अनुसार? जॉर्ज पॉलिया के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण के दो उद्देश्य हैं। पहला संकीर्ण उद्देश्य, दूसरा व्यापक उद्देश्य या उच्च उद्देश्य। संकीर्ण उद्देश्य इसको कहते हैं नैरो ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा? संकीर्ण उद्देश्य, नैरो ऑब्जेक्टिव। ये उद्देश्य रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देते हैं जो सामाजिक योगदान कर सकते हैं और आर्थिक विकास कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? संकीर्ण उद्देश्य। दूसरा है यह संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित है। किससे? यह संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित है, जैसे माप, अंश, प्रतिशत आदि। ये किससे हैं? संख्यात्मक संक्रिया से। इसके बाद इस प्रकार गणित का सीमित उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना है। गणित का उद्देश्य क्या होता है? की क्षमताओं का विकास करना। व्यापक उद्देश्य यानी उच्च उद्देश्य, इसको कहते हैं ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? गणितीय रूप से सोचना। उच्च उद्देश्य क्या होते हैं? गणितीय रूप से सोचना। तार्किक चर्चा करना, विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष खोजना। अमूर्तता को समझे, किसी समस्या का समाधान खोजे। बल संसाधनों का विकास करना, ये किसके उद्देश्य होते हैं? तो ये उच्च उद्देश्य होते हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। तो आज की
ये क्लास थी गणित शिक्षा शास्त्र। तो आप लोग इस क्लास को एक बार और रिपीट करके देख लें, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए इतनी फायदेमंद होने वाली है कि सीटेट एग्ज़ाम में आपको इस क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतनी इम्पोर्टेंट क्लास यह है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है माइंड 5 अकेडमी। चैनल का नाम है माइंड 5 अकेडमी। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्ज़ाम